ब्रह्मा जी कहते हैं, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन जो भी मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं, रोगी मनुष्य के सभी रोग दूर हो जाएं। इस दिन आपका दर्शन कर मनुष्य जिस इच्छा को आपके सामने व्यक्त करे, उसे आप तुरंत पूरा करें। हे प्रभु, आप इस दिन सभी को मनोवांछित वर प्रदान करें। भगवान, यही वरदान मैं आपसे मांगता हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे ब्रह्मा, मैं आपकी इच्छा अवश्य ही पूरा करूँगा। तुम्हारे वर के अनुसार मैं देवी सती सहित इस वेदी पर विराजमान रहूँगा। यह कहकर भगवान शिव देवी सती के साथ मूर्ति रूप में प्रकट होकर वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद, मुझे मेरा मनोवांछित वरदान देने के पश्चात भगवान शिव अपनी पत्नी देवी सती को साथ लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हुए। भगवान शिव ने अपनी पत्नी को अपनी सवारी नंदी पर बिठाया और स्वयं भी उस पर बैठकर कैलाश पर्वत की ओर रवाना हो गए। उस समय वृषभ पर बैठे भगवान शिव व सती की शोभा देखते ही बन रही थी। उनका रूप मनोहारी था। तब मंत्रमुग्ध होकर उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। उनकी विदाई पर चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे, विभिन्न वाद्य यंत्र बज रहे थे। सभी बाराती शिव के कल्याणमय उज्ज्वल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। भगवान शिव देवी सती के साथ अपने निवास कैलाश पर पहुंचे। सभी देवता सहित मैं और विष्णु जी भी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव ने सभी को सम्मान पूर्वक विदा किया। तब सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। तत्पश्चात भगवान शिव और देवी सती सुखपूर्वक अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठाने लगे। नारद जी ने पूछा, हे पितामह ब्रह्मा जी, शिव जी के विवाह के पश्चात सभी पधारे देवी देवताओं और ऋषि मुनियों सहित श्री हरि और आपको विदा करने के पश्चात क्या हुआ? हे प्रभु, इससे आगे की कथा का वर्णन भी आप मुझसे करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि नारद, सभी उपस्थित देवताओं को विवाहोपरांत भगवान शिव और देवी सती ने प्रसन्नता पूर्वक विदा कर दिया। तत्पश्चात देवी सती ने सभी शिवगणों को भी कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत से जाने की आज्ञा प्रदान की। सभी शिवगणों ने महादेव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने भगवान शंकर से वहां से जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा देते हुए महादेव जी ने कहा, जाएं, लेकिन मेरे स्मरण करने पर आप सभी तुरंत मेरे समक्ष उपस्थित हो जाएं। तब नंदी समेत सभी गण वहां भगवान शिव और देवी सती को अकेला छोड़कर कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत से चले गए। अब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव सती के साथ अकेले थे। देवी सती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर बहुत खुश थी। बहुत कठिन तपस्या के उपरांत उन्हें भगवान शिव का सानिध्य मिल पाया था, यह सोचकर वह बहुत रोमांचित। उधर देवी सती के अनुपम सौंदर्य को देखकर शिव जी भी मोहित हो चुके थे। वे भी देवी सती का साथ पाकर अपने को धन्य समझ रहे थे। एकांत पाकर शिव जी अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश पर्वत के शिखर पर रमण करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, एक दिन की बात है कि देवी सती भगवान शिव को प्रेम पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। उन्हें चुपचाप खड़े देखकर भगवान शिव समझ गए कि देवी सती के मन में कुछ बात अवश्य है जिसे वह कहना चाह रही हैं। तब उन्होंने मुस्कुराकर देवी सती से पूछा,
हे प्राण वत्सला, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं। यह सुनकर देवी सती बोली, हे भगवन, वर्षा ऋतु आ गई है। चारों ओर का वातावरण सुंदर व मनोहारी हो गया है। हे देवाधिदेव, मैं चाहती हूँ कि कुछ समय हम कैलाश पर्वत से दूर पृथ्वी पर या हिमालय पर्वत पर जाकर रहें। वर्षा काल के लिए हम किसी योग्य स्थान पर चले जाएं और कुछ समय वहीं निवास करें। देवी सती की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव हंसने लगे। हंसते हुए ही उन्होंने अपनी पत्नी सती से कहा कि प्रिय, जहाँ मैं निवास करता हूँ वहाँ पर मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई आ जा नहीं सकता है। मेघ भी मेरी आज्ञा के बिना कैलाश पर्वत की ओर कभी नहीं आएंगे। वर्षा काल में भी मेघ सिर्फ नीचे की ओर घूम कर निकल जाएंगे। हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। फिर भी यदि आप चाहती हैं तो हिमालय पर्वत पर चलते हैं। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी पत्नी सती के साथ हिमालय पर्वत पर चले गए। वहाँ कुछ समय प्रसन्नता पूर्वक विहार करने के पश्चात वे पुनः अपने निवास स्थान को लौट आए। भगवान शिव और सती के हिमालय से वापस आने के पश्चात वे पुनः पहले की तरह कैलाश पर्वत पर अपना निवास करने लगे। एक दिन देवी सती ने भगवान शिव को भक्ति भाव से नमस्कार किया और कहने लगी, हे देवाधिदेव, महादेव, कल्याण सागर, आप सभी की रक्षा करते हैं। हे भगवन, मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। प्रभु, आप परम पुरुष और सबके स्वामी हैं। आप रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से दूर हैं। आपको पति के रूप में पाकर मेरा जन्म सफल हो गया है। हे करुणा निधान, आपने मुझे हर प्रकार का सुख दिया है तथा मेरी हर इच्छा को पूरा किया है, परंतु अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो सभी को सुख प्रदान करने वाला है, जिसे पाकर जीव संसार के दुखों और मोह माया से मुक्त हो जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। इस प्रकार आदि शक्ति देवी सती ने जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव से प्रश्न किया। उस प्रश्न को सुनकर महान योगी सबके स्वामी भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे देवी, हे दक्षनंदिनी, मैं तुम्हें उस अमृतमयी कथा को सुनाता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही वह परम तत्व विज्ञान है जिसके उदय होने से मेरा ब्रह्म रूप है। ज्ञान प्राप्त करने पर उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। उस विज्ञान की माता मेरी भक्ति है। यह भोग और मोक्ष रूप को प्रदान करती है। भक्ति और ज्ञान सदा सुख प्रदान करता है। भक्ति के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। हे देवी, मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूँ। भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। शास्त्रों से प्रेरित और हृदय के सहज प्रेम से प्रेरित भक्ति श्रेष्ठ होती है, परंतु किसी वस्तु की कामना स्वरूप की गई भक्ति निम्न कोटि की होती है। हे प्रिय, मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा नामक दो भक्तियों के नौ नौ भेद बताए हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण ही भक्त के अंग माने जाते हैं। जो एक स्थान पर स्थिरता पूर्वक बैठकर तन मन को एकाग्रचित करके मेरी कथा और कीर्तन को प्रतिदिन सुनता है, इसे श्रवण कहते हैं। जो अपने हृदय में मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता है और उसका अपनी वाणी से उच्चारण करता है, इसे भजन रूप में गाना ही कीर्तन कहा जाता है। मेरे स्वरूप को नित्य अपने आसपास हर वस्तु में तलाश कर मुझे सर्वत्र व्यापक मानना तथा सदैव मेरा ही चिंतन करना, सूर्य निकलने से लेकर रात्रि तक हृदय और इंद्रियों से निरंतर मेरी सेवा करना ही सेवन कहा जाता है। स्वयं को प्रभु का किंकर समझकर अपने हृदयामृत के भोग से भगवान का स्मरण दास्य कहा जाता है। अपने धन और वैभव के अनुसार 16 उपचारों के द्वारा मनुष्य द्वारा की गई मेरी पूजा
अर्चन कहलाती है। मन, ध्यान और वाणी से मंत्रों का उच्चारण करते हुए इष्ट देव को नमस्कार करना वंदन कहा जाता है। ईश्वर द्वारा किए गए फैसले को अपना हित मानकर उसे सदैव मंगल मानना ही सख्य है। मनुष्य के पास जो भी वस्तु है वह भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके चरणों में अर्पण करना, उन्हें समर्पित कर देना ही आत्मसमर्पण कहलाता है। भक्त के ये नौ अंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ये सभी ज्ञान के साधन मुझे प्रिय हैं। मेरी सांगोपांग भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जन्म देती है। इससे सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मुझे मेरे भक्त बहुत प्यारे हैं। तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई भी सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में जब ज्ञान और वैराग्य का हास हो जाएगा, तब भी भक्ति ही शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। मैं सदा ही अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। मैं अपने भक्तों की विपरीत परिस्थितियों में सहायता करता हूँ और उसके सभी कष्टों को दूर करता हूँ। मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। मुक्ति है शिव माँ।